गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसमें हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटीज के बारे में इसकी एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बेटा, अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद कीटोन्स, देन एल्डिहाइड, देन ईथर्स, देन हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में सबसे कम होता है एल्केन्स में। तो सब इस टाइप से ऑर्डर पढ़ेंगे हम इसके अंदर, तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखिए बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में हम आपको बताते हैं मिथेनॉल द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। मिथेनॉल इज गैस एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि इसका मोलर मास क्या होता है, कम होता है, और इनके बीच में वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और नेक्स्ट मेंबर क्या है इसका, इथेनॉल। इथेनॉल इज अ वोलेटाइल लिक्विड। इथेनॉल कैसा है, वोलेटाइल लिक्विड। और इसके अलावा जितने भी अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं बेटा, सारे के सारे आर लिक्विड एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यानी जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज करता रहता है, यानी साइज इंक्रीज करता है, वो लिक्विड से किस में चेंज होते हैं, सॉलिड में चेंज होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है बेटा, यानी जैसे जैसे इनका साइज इंक्रीज करता है तो ये किससे चेंज होते हैं, लिक्विड से किस में चेंज होते हैं, सॉलिड में, क्योंकि वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है। अब इसी के बाद हम बात करते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट की। फर्स्ट हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट इसके अंदर। देखिए बेटा, बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट then hydrocarbons and ethers of comparable molar mass या molecular mass, जिनका molar mass क्या हो, same हो। ऐसा क्यों, due to वीक मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या एसोसिएशन। यानी इसके अंदर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बेटा, वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन एंड ईथर्स। Aldehydes and ketones arises या arising out of dipole-dipole interaction क्यों, dipole-dipole interaction क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि बेटा ये कैसे होते हैं, aldehydes and ketones are polar in nature। कैसे होते हैं, पोलर होते हैं, और पोलर किसकी वजह से होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से, किसकी वजह से, कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से। ठीक है, बट देयर बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन एल्कोहल्स। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है अल्कोहल से, क्यों, क्योंकि अल्कोहल में कौन सी होती है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। उसके बाद कौन सी होती है, सबसे ज्यादा होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो किसके अंदर होती है, अल्कोहल्स के अंदर। ठीक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, अल्कोहल्स का।
उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, फिर किसका होता है बेटा, ईथर्स का, और फिर हाइड्रोकार्बन्स का। अब देखिए बेटा, जब हमसे पूछा था आउट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विच वन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे ज़्यादा जब हम बात करते हैं तो सीक्वेंस में हम लिखना शुरू करते हैं, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, एल्कोहल का, उसके बाद होता है कीटोन्स का, उसके बाद एल्डिहाइड, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल, देन कीटोन्स, देन एल्डिहाइड। कीटोन्स का क्यों ज्यादा होता है बेटा, क्योंकि कीटोन्स मोर पोलर होते हैं, किससे, मोर पोलर देन एल्डिहाइड, और जो जितना ज्यादा पोलर होगा उसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होगी, स्ट्रोंगर होगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होगी, स्ट्रोंगर होगी। देन इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा इसके बाद कम हो जाता है ईथर्स का, और सबसे कम होता है हमारे पास किसका, हाइड्रोकार्बन, किसका होता है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो अरेंजमेंट पे जैसे क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, हमसे दे रखा हो बेटा अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, CH3, CH2, CH2, CHO, CH3, CH2, CH2, CHO, देखो नंबर ऑफ कार्बोनेट्स में भी सेम है, इसमें भी सेम है, कंपेरेबल मोलर मास की बात, C2H5O, C2H5, CH3, CH2, CH3, आप ये देखो सबका मोलर मास लगभग सेम है बेटा। तो ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड, ये हमारे पास क्या है, एल्कोहल, ये वाला ईथर, और ये वाला एल्केन, यानी यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में हम किसकी बात करेंगे, एल्केन की बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एल्कोहल का, और सबसे कम एल्कीन का। तो सबसे पहले, क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा, CH3, CH2, CH3, उसके बाद ईथर्स की बात करते हैं C2H5, CO, C2H5, देन एल्डिहाइड CH3, CH2, CHO, देन CH3, 1, 2, 3, 4, 5, OH, एक दो तीन चार OH, ठीक है बेटा, इस टाइप से। एंड डाउट इसमें, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट के बाद हमारे पास आता है सॉल्युबिलिटीज, इसकी आती है सॉल्युबिलिटी। जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं बेटा, लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, इसमें सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और सॉल्युबिलिटी का एक ही रीजन होता है हमारे पास, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करते हैं वे, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और बेटा जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम एज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज कर जाते हैं, क्यों, क्योंकि एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ठीक है बेटा।
और जितने भी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं बेटा, ये सारे के सारे सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्यों सोल्यूबल होते हैं बेटा ये? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स बना लेते हैं किसके साथ? ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया तो कैसे हो गए वे? ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ सोल्यूबल हो जाते हैं। दैट्स वाई दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। एनी डाउट? ठीक है बेटा, यही थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें और कुछ नहीं है फिजिकल, ओ केमिकल प्रॉपर्टीज में इतना ही है। और इसके बाद हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।